ये हमारे आंटी जी हैं, सभी फोटो खिंचा रहे हैं मम्मी के साथ। मम्मी भी खुश और पीछे जितने आंटी हैं, एक सिस्टर है, वो सब खुश। जय श्री राम दोस्तों, वियतनाम से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारे फैमिली का वियतनाम में चौथा दिन है और आज फिर किसी सदस्य ने इनवाइट किया है हम लोगों को, तो सभी तैयार हो गए हैं। टैक्सी यहाँ पर सदस्य भेज दी है, तो अब हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। मम्मी, भाभी, भैया, मनीष सब रेडी हैं। अब मिलते हैं, देखते हैं वो कहाँ ले जाएंगे। कोई रेस्टोरेंट उन्होंने बुक किया है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर चलते हैं और फिर दिखाते हैं क्या खाने लायक है नहीं है। आपको जानकारी भी देंगे, आप पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा। कौन सा फूल अच्छा लग रहा है? वो जो क्या बोलता है, वो सदा अथी वाला है, सदा बाहर। मनीष मैसेज कर रहा है। मम्मी यहाँ पर फूल देख रही है और मम्मी को फूल बहुत अच्छा लग रहा है। फूल बहुत तरह का यहाँ फूल है, मम्मी बोल रही है इंडिया में फूल नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा फूल है जो यहाँ पर मिलता है रेडीमेड, मॉल से खरीदेंगे छोटा छोटा और देखेंगे फ्लाइट में जाना पॉसिबल होगा तो भिजवा देंगे मम्मी से, क्योंकि मम्मी को फूल पेड़ पौधा बहुत पसंद है। ठीक है, देखिए अब आगे अगर और कोई फूल है बताइए, हम फोटो खींचते हैं वीडियो बनाते हैं। आपको भी कोई फूल पसंद है यहाँ पे? मम्मी को तो पसंद है फूल, आपको भी यहाँ पे सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट फूल लगा हुआ है। डुप्लीकेट तो मतलब कॉफी शॉप में लगा हुआ, तो शो के लिए लगा हुआ है, ये जो घर पे लगाया है कोई डुप्लीकेट थोड़ी है, सब ओरिजिनल है। मनीष कितना किलोमीटर है यहाँ से? अभी 2-3 किलोमीटर होगा। हाँ, तो ज्यादा दूर नहीं है। छोटा भाई का जो सिटी है, नाम है इसका यनलक, 2-3 किलोमीटर है जहाँ पर हम लोग जो रेस्टोरेंट जा रहे हैं। एक सदस्य मिल गए यहाँ पर जो इनवाइट किए थे, तो बोल रहे पहले यहाँ पर मेरा घर चलिए, तो इनका ये शॉप है, अंदर में घर है, तो पहले हम लोग घर जाएंगे, थोड़ा चाय पानी होगा और उसके बाद फिर हो सकता है रेस्टोरेंट निकलेंगे इनके कार में। सभी लोग बैठे हैं, इनके माता है, इनकी बहन है। आंटी जी जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं फैमिली से मिलकर, मेरी भाभी से, भैया से, मम्मी से, मम्मी से पूरा हाथ बात मिलाए। बहन कहने लगी मम्मी को यहाँ का भाषा में कि सिंचाओ ची, मतलब सिंचाओ बड़ी बहन। फिर मेरी भाभी से मिली, भैया से मिले, बोले काफी अच्छा है तुम्हारा फैमिली राकेश, हम लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, हम लोग भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। इनकी ये बेटी है, ची बोलते हैं इनको भी हम, बहन बोलते हैं, और ये माता जी है ना, वियतनामीज माता जी। हेलो सिंचाओ, आप सबको नमस्ते बोल रहे हैं, और ये इनकी छोटी सी बेटी है। आंटी जी सबको फ्रूट खिला रही है। ओके ओके ओके, को खमसा खमसा खमसा, हेलो को दो आंटी, भाभी को दो, हाँ खाइए। ठीक है मम्मी जी खाइए, मनीष बैठ जाओ। ओके को सिन मोहन, हाँ खमसा खमसा आओ। सब कुछ ला के रख दिए, फ्रूट वगैरह गिफ्ट में दे दी है, ड्रैगन फ्रूट से नाशपाती है। सेवा इज्जत मानी ये लोग बहुत अच्छा से करते हैं, इनको पता है कि अभी हमारा परिवार आया है, तो सबका इज्जत मान बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है। भाभी का फोटो शूट हो रहा है, भाभी के साथ में और सिस्टर जो है मम्मी के साथ में, दोनों आंटी जी भैया। ओके चुप जाओ, ये फोटो हो गया है। हेलो सिंचाओ, और भी दो आंटी जी पहुंच गए हैं, सिनमोय सिनमोय, सभी का वेलकम हो रहा है यहाँ पे, और सब धीरे धीरे फोटो खिंचाएंगे हमारे परिवार के साथ, हम भी टुगेदर फोटो खिंचाएंगे, ये लोग अपना फेसबुक पर अपलोड करेंगे और हम ब्लॉग को अपलोड करेंगे, ताकि आपको पता चले यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा इज्जत सम्मान करते हैं, बिहेवियर कैसा, नेचर कैसा है, सब आपको ब्लॉग में जो है लाइव नेचुरली दिखेगा। दो आंटी जी के साथ और फोटो, तीन आंटी जी हैं, एक सिस्टर, एक मेरे भैया भाभी, दो सिस्टर इधर से भी फोटो ले रहे हैं। कैप जो वो छूट गया, तो आंटी जी को बोल दिया अंदर से कैप ले आई, यहाँ का काम हो गया। हम लोग पैदल रेस्टोरेंट जाएंगे, सामने में है, बोल रही कि टैक्सी बुक कर दे, बोले नहीं ची टैक्सी बुक नहीं करना है, पैदल हम लोग जाएंगे, पैदल हम लोग अच्छा लगेगा। ओके को डाई 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 चाती 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 चाती, इनको नहीं मिला कि मेरा टोपी कहाँ रखा हुआ है, हम अपना टोपी खुद ही यहाँ से ले लेते हैं। डाई 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 डाई, छूट गया था टोपी। पास में रेस्टोरेंट है, 2 मिनट पैदल चलेंगे पहुंच जाएंगे रेस्टोरेंट में, अब डायरेक्ट आपसे मिलता हूं। वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, आपको जानकारी नॉलेज मिलते रहेगा। हेलो, तो एक आंटी और है जो हम लोगों को अपना घर दिखाने के लिए लाए, घर काफ़ी सुंदर है इनका भी, तो वहाँ से आए तो थोड़ा बोले कि रेस्टोरेंट पास में है, मेरा भी घर चलिए। भाभी घर इनका देखिए काफ़ी सुंदर है ना, सोना का दुकान भी बगल में उनका है, पूरा सोना का दुकान उनका है, बगल में कपड़ा दुकान है वो भी उनका है, तो थोड़ा इनका घर में प्रवेश करते हैं, थोड़ा इनका भी दिल रखते हैं। ये को है जो इनका घर है, इनका घर है। हेलो को, हेलो।
चलिए रिस्पेक्टफुली इन लोग बुलाते हैं, प्यार है इन लोगों का, तो थोड़ा इनके इनके घर में भी आते हैं, प्रवेश करते हैं। काफ़ी सुंदर इनका भी कॉरिडोर है, घर का हॉल जो है बढ़िया है। पीछे जो है झूला वगैरह इन्होंने लगाया है। टी का जो एक्वेरियम है बहुत ही सुंदर है, सभी को पसंद आया, भैया भाभी मम्मी मनीष, काफ़ी सुंदर एक्वेरियम है, आपको दिखा रहा हूँ, आप भी देखिए। ये लोग घर को बहुत सुंदर सजा के रखते हैं, जितना भी सामान यहाँ पर मेटल का है, जो कुछ भी बाहर का गार्डन वगैरह स्पेस काफ़ी छोड़ते हैं। उधर पे किचन है, यहाँ पे टीवी वगैरह रखे हैं सजा के, अपना जो लोग खाते पीते हैं, वाइन वगैरह भी बहुत सारा है। घर आंटी जी का काफ़ी सुंदर है, हमारे सदस्य हैं, योगा सदस्य हैं, तो अभी भैया लोग को बैठा दिया। और ये जो है भैया, ये जो है ये वाइन है, वियतनामीज वाइन, ये वाइन है, मतलब बहुत कम लोगों के घर में ये सब मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या पता है, ये वाइन है। और ये जो है वो केटली बोलते हैं ना, ये केटली है। तो यूनिक यूनिक जो मतलब काफी कॉस्टली, जो थोड़ा पैसे वाला लोग होते हैं वो सब सजावट के चीज ज्यादा रखते हैं। ये जो टीवी है ये 90 इंच का होगा। ओ तो ये आंटी जी का पति है, सिंचाचू। हमारे आंटी जी हैं, सभी फोटो खिंचा रहे हैं मम्मी के साथ, मम्मी भी खुश, और पीछे जितने आंटी हैं, एक सिस्टर है, वो सब खुश। इधर बच्चा भी घूम रही है, भाभी इधर मछली देख रही है। भाभी को एक्चुअली मछली बहुत, मछली पसंद है क्या आपको? ले चले पूरा एक्वेरियम, कोई दिक्कत नहीं, फ्लाइट में भेज देंगे इंडिया से। भाभी को मछली बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए वहाँ से छोड़ छोड़ के बार बार एक्वेरियम देखने आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको एक्वेरियम खरीद दिया जाएगा मछली का। अब सबसे मिलते हैं और उसके बाद निकलते हैं रेस्टोरेंट। भाभी सबसे मिल लीजिए, हाथ वाथ मिला लीजिए सबसे, उसके बाद हम लोग निकलते हैं, मिलते हैं फिर रेस्टोरेंट में आप लोगों से। ओ भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं। रेस्टोरेंट ये वाला है अंचाय, पूरा वेजिटेरियन है। बाहर का वेदर थोड़ा गर्म है यहाँ का। तो भैया हम लोग पहुँच गए हैं और टेबल काफ़ी सारा पहले सजा के रखे हैं, पूरा ये वेजिटेरियन है, मतलब कुछ भी नॉनवेज नहीं है। दो टेबल खाना वहाँ पर लगा दिया गया है और देखते हैं फिर क्या क्या आता है। बहुत साथ थोड़ा मेहनत कर दो टेबल लगाने में, जो टेबल लगा रही है बोल रही कि वहाँ बैठ कर खाएंगे। एक्चुअली मम्मी को कमर में और थोड़ा घुटना में प्रॉब्लम है, तो मम्मी बैठ नहीं सकती वहाँ पे पालती मांग के, इसलिए हम लोगों ने बोला कि पूरा चेयर लगा दीजिए, सब पूरा हम लोग बैठ जाएंगे। और जितने आंटी लोग आए हैं, मेरे परिवार हैं, उनका परिवार है, सब एक साथ यहाँ पर बैठ जाएंगे। जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट है, वाईफाई फैसिलिटी सब में मिलेगा, तो हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। भैया को भी वाईफाई कनेक्ट करवा दिया, भाभी को भी कनेक्ट करवा दिया है। मनीष के पास मोबाइल है, मम्मी मोबाइल लेके नहीं चल रही है, तो मनीष को भी कनेक्ट करवा देंगे। नेट का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट पूरा भरपूर आपको मिलेगा। टेबल पूरा लगा दिया गया है और जितने भी यहाँ पर खाना लगाया गया है सब अनचाई है। ये मशरूम है, ये सलाद बोलेंगे, फ्रूट सलाद, सब जितना भी है बॉइल सामान है, कुछ गलत सामान, मांस मछली अंडा कुछ भी नहीं है, सूप वगैरह है, पूरा का पूरा अनचाई है, मतलब वेजिटेरियन है। क्योंकि हम और मनीष पहले सभी सदस्य को कह दिए थे कि मेरा परिवार कोई भी तरह का नॉनवेज नहीं खाता, अंडा मीट मछली मुर्गा, तो ये पूरा अरेंजमेंट इन्होंने किया है अनचाई का। तो बेहिचक आप खा सकते हैं, ऐसे ये रेस्टोरेंट भी है, पूरा अनचाई है, अनचाई मतलब वेजिटेरियन है पूरा, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ मांस मछली मदिरा कुछ नहीं मिलेगा। भैया हम लोगों का यहाँ पर लंच कम्प्लीट हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। फ्रूट वगैरह खाना पीना जो भी था, जो बचा था, वियतनामीज चाची लोग इसको पैक कर लिए हैं, ठीक है, प्लास्टिक मंगवा के हम लोगों के लिए टैक्सी नीचे मंगवा दिए हैं, तो हम लोग नीचे उतरेंगे, अब डायरेक्ट घर जाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि कॉफ़ी शॉप चलना है, मम्मी खाना खा ली, मम्मी यहाँ पर बैठी है, तो ये लोग बोल रहे हैं कॉफ़ी शॉप चलना, हम लोग बोले कॉफ़ी शॉप अभी नहीं, शाम को चलते हैं कॉफ़ी शॉप, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी बाहर है और थोड़ा रेस्ट भी हम लोग करेंगे। तो जितने दिन मम्मी भैया भाभी यहाँ पर है, हम भी अपने सिटी से छोटा भाई का घर आते रहेंगे, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वियतनाम के बारे आपको बताते रहेंगे। तो जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को नए देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, राकेश भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं राकेश सिन्हा, योगा टीचर, वियतनाम से सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पे 7,15,000 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भाई बहन यूट्यूब पे हैं और इंस्टाग्राम अभी तक नहीं जुड़े इंस्टाग्राम से, तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, आप राकेश सिन्हा मारेंगे पहला में ही दिखा देगा हनुमान जी की कृपा से, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मम्मी कैसा रहा है, ठीक लग रहा है? ठीक है दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलेंगे। हम लोगों का टैक्सी आ गया है, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। बाय बाय, सभी लोग बाय बाय कर रहे हैं। सी यू अगेन, ची।
ठीक है बैठिए बैठिए मंदिर बैठो। ओके ठीक है, अब हम लोग निकलते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट घर के लिए निकल रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इतका को, कम ऑन।